सतत विकास यह एक ऐसा विकास है जिसका लक्ष्य भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरी करना है। आज हम बात करेंगे सतत विकास के 11वें लक्ष्य की। SDG का यह लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं से लैस शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और सस्टेनेबल बनाना है। यह लक्ष्य 2030 तक सबके लिए उपयुक्त, सुरक्षित और सस्ते आवास तथा बुनियादी सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित कराना और तंग बस्तियों की स्थिति सुधारना है। आज जहां तमाम देश बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने की बातें कर रहे हैं, कुदरत के सीमित संसाधनों का हवाला दिया जा रहा है, आधा मानव समुदाय यानी 3.5 अरब लोग आज शहरों में रहते हैं। भारत जहां लंबे अरसे से सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को अपने विभिन्न विकास नीतियों में शामिल करता आ रहा है। आज जहां दुनिया की 55% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जो 2050 तक 68% हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 2050 तक भारत की 416 मिलियन, चीन की 255 मिलियन और नाइजीरिया की 189 मिलियन आबादी का शहरों में रहने का अनुमान है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान है। भारत में जहां शहरीकरण तेजी से हो रहा है, वहीं 2001 और 2011 के बीच देश की शहरी जनसंख्या में 9.1 करोड़ की वृद्धि हुई। अनुमान है कि 2030 तक भारत में 1 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाले 6 मेगा शहर होंगे। 2013-14 की आंकड़ों के अनुसार देश की 68% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जबकि 17% जनसंख्या तंग बस्तियों में रहती है। शहरी क्षेत्रों के पास भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे संसाधनों का उपयोग सुधारने तथा प्रदूषण और गरीबी कम करने पर बल देना, बुनियादी सेवाओं का अभाव, उपयुक्त आवास की कमी, सीवेज की समस्या, ताजे पानी की आपूर्ति और बुनियादी ढांचा कमजोर होना आदि। हम जो भविष्य चाहते हैं उसमें ऐसे शहर शामिल हैं जहां सबको अवसर मिले और जो बुनियादी सेवाओं, ऊर्जा, आवास, परिवहन और अन्य सुविधाएं सुलभ करा सके। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास नीति पहल सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और भारत दुनिया भर में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में और सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारी विकसित होती समझ की झलक मिलती है।